दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर एक अहम खबर है। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को से कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे प्रिकॉशन डोज का नाम दिया है। हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ये मुफ्त में लगाया जाएगा, जबकि बाकी एडल्ट को तीसरे डोज के लिए पैसे चुकाने होंगे। प्रिकॉशन डोज प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लगाया जाएगा। ये डोज सिर्फ उन्हीं को लगाया जाएगा जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और जिन्होंने दूसरा डोज लगवाया और उस डोज को लगवाए 9 महीने बीत चुके हैं। कोविशील्ड के प्रिकॉशन डोज की कीमत 600 रुपए होगी। इस पर टैक्स भी लगेगा, जिसके बाद इसकी कीमत थोड़ी और ज्यादा हो सकती है। तो कोवावैक्स को जब बूस्टर डोज के तौर पर मान्यता मिलेगी तो उसकी कीमत 900 रुपए हो सकती है। इसके ऊपर टैक्स भी लगाया जाएगा। तो 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए अब तीसरा डोज तैयार है। आप कल यानी कि रविवार से तीसरा डोज लगवा सकते हैं। चलिए, इस पर अधिक चर्चा हम करेंगे। सहयोगी आकर्ष शर्मा हमारे साथ राजधानी भोपाल से लाइव बने हुए हैं। आकर्ष, एक तरफ एक्सी वेरिएंट के मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के लिए एक बड़ी राहत इसे कह सकते हैं, क्योंकि तीसरे डोज के लिए अब रास्ता खुल गया है। क्या जानकारी? अवंतिका, आपने सही कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने परमिशन दे दी है। 10 अप्रैल से जो है 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको बूस्टर डोज जो है वो लगना शुरू होगा, लेकिन अब निजी केंद्रों पर ये लगाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बूस्टर डोज के लिए पैसे देने पड़ेंगे। जिस तरीके से आपने ही बताया, मैं ही बताना चाहूँगा कि तीन तरह की वैक्सीन भारत में लगाई जा रही हैं, जिसमें कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पूतनिक है। कोविशील्ड करीब 600 रुपये की, टैक्स के साथ करीब 750 रुपये देने चुकाने पड़ेंगे। स्पूतनिक बी को लेकर करीब 1250 रुपये और इसी तरीके से कोवैक्सीन को लिए सबसे ज्यादा करीब 1400 रुपए चुकाने पड़ेंगे। जिस तरीके से नया वेरिएंट है, हम बात करें महाराष्ट्र में या गुजरात में दस्तक दिए, इसके बाद पूरे देश भर में चिंताएं बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जो नया वेरिएंट आया है वो 10 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। ऐसे में जो बूस्टर डोज है वो कहीं ना कहीं जो हम संजीवनी कहते हैं वैक्सीन को, यही कारण है कि अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर परमिशन दे दी है। देश भर की बात करें तो करीब 94 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 18 साल से 60 साल की उम्र के बीच के लोग हैं। इन लोगों को कहीं ना कहीं जल्द से जल्द वैक्सीनेट होने की जरूरत है। वैक्सीनेट हम कह सकते हैं भारत पूरा हो चुका है, दोनों डोज लग चुके हैं, लेकिन अब यदि बूस्टर डोज लगा होगा, क्योंकि जिस तरीके से रिसर्च आई है कि 9 महीने के बाद जो है एंटीबॉडी जो है वो शरीर में कम होने लगती है। यही कारण है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने परमिशन दिया कि जो लोगों को 2 डोज लगे हुए 9 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं वो जो है वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन इसको लेकर अनिवार्यता नहीं है। यदि स्वेच्छा से कोई लगवाना चाहता है तो लगवा सकता है और नहीं लगवाना चाहता है तो नहीं भी लगवाए, लेकिन इसको लेकर ये भी नहीं है कि कहीं परीक्षा केंद्र या फिर आप कोई भी फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं तो इसके लिए आपको पहले हमने देखा है कि सर्टिफिकेट की जरूरत होती थी, तो बूस्टर डोज के लिए यह भी अनिवार्य नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं कि 10 अप्रैल से जिस तरीके से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया जाएगा वो भारत के लिए और हमारे मध्य प्रदेश के लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो नया वेरियंट आया वो चिंता बढ़ा रहा है। कल से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू होगा और हम कह सकते हैं कि बढ़ चढ़ कर लोग इसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि जो वैक्सीन है उसी को संजीवनी कहा जा रहा है और यही कारण है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने परमिशन दी है। तीनों तरह की वैक्सीन कल से लगना शुरू हो गए और जो केंद्रों पर, निजी केंद्रों पर जाकर लोग लगवा सकते हैं। बिल्कुल आकर्ष, भले ही कंपलसरी ना हो लेकिन अगर लगवा लें तो भी राहत भरी बात होगी, क्योंकि एक्सी वेरिएंट भारत में दस्तक दे चुका है। शुक्रिया आकर्ष फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कल से इस महाअभियान की शुरुआत हो रही है, कल से प्रिकॉशन डोज तीसरा डोज वैक्सीन का लगाया जाएगा।